डार्टन अप्रोच द हिस्ट्री ऑफ द बुक्स थ्रू द पब्लिशिंग ट्रेड. ध्यान से, पब्लिशिंग ट्रेड के लिए हिस्ट्री बुक्स को अप्रोच करता है. पब्लिशिंग ट्रेड मतलब कौन पब्लिशर है, रूपा पब्लिकेशन है, एमबीडी पब्लिकेशन है, प्रकाश पब्लिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिम कॉलेज की पब्लिकेशन है, कौन सी मेरे को नहीं पता, पियर्सन है, पर वो अप्रोच करता है. कौन? डार्टन, जिनका लेवल ऑफ इंग्लिश बहुत पुअर है, लिख ले भाई. डार्टन पब्लिशिंग ट्रेड करता है. केट्स बाय कॉन्ट्रास्ट, सिग्नल वर्ड, कहानी में ट्विस्ट, इज अ ट्रिनिटेरियन. ट्रिनिटेरियन क्या होता है? तीन भगवानों का राजा. जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में तीन भगवान होते हैं, ज्यूस, हेडिस, पोसाइडन. इंडियन माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश. ट्रिनिटेरियन, तीन पे विश्वास. नॉट अ यूनिटेरियन, यूनिटेरियन मतलब एक पे विश्वास है ब्रो. कौन? केट भैया, सुनते जाइए. हिज हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन गिविंग ऑलमोस्ट इक्वल वेट टू द ऑथर्स, पब्लिशर्स एंड रीडर्स. कहता है इक्वल वेटेज देता है वो किसको? तीन चीजों को, ऑथर को, पब्लिशर को और रीडर को. हिज बुक्स आर रिटन, प्रिंटेड एंड रेड. तीनों चीज, रिटन, प्रिंटेड और रेड. होल्ड ऑन, डार्टन भैया थे, पब्लिशिंग ट्रेड पे बात करते हैं. पब्लिशिंग ट्रेड मतलब धंधा. दूसरा, ऑथर है, पब्लिशर है, रीडर है, केट. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं. आगे, उसकी बुक रिटन होती है, प्रिंट होती है, रेड भी होती है. ये कोलन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. ईच एलिमेंट हैज टू बी गिवन प्रॉपर रिकॉग्निशन. भाई तीनों को प्रॉपर रिकॉग्निशन देना, ऑथर को, पब्लिशर को भी, रीडर को भी. मतलब पढ़ने वाला, प्रिंट करने वाला, रीड करने वाला. दिस ब्रिंग्स टू सेकेंड इंपॉर्टेंट इनोवेशन. यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है. एक और उसकी इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, वॉट इज ऑफन कॉल्ड द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री. यहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू होती है, जुड़े रहिएगा. कहता कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के थ्रू एक और इनोवेशन है, रिप्रेजेंटेड अबव ऑल बाय क्विंटन स्किनर. कोई और इंसान है क्विंटन स्किनर, उसने ट्रीट किया बुक्स को एज एन अटेम्प्ट एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कहता है ब्रो, जो बुक है ना उसके अकॉर्डिंग, किताब क्यों, किताब का मतलब क्या है? इट्स अ एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब किताब क्यों लिखते हैं लोग? बुक शुड बी कम्युनिकेशन करने के लिए. द ऑथर सेज समथिंग विच ही इंटेंड्स टू रीडर टू अंडरस्टैंड. कहता है यार, ऑथर वो लिखेगा जो मैं चाहता हूं एज एन ऑथर कि तुम्हें समझ आए. अंडरस्टूड? रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए. लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा रूल है लास्ट लाइन रूल. ऑब्वियसली इफ द रीडर्स मिसअंडरस्टैंड, अगर तेरे को समझ नहीं आया तो भाई नेचुरल थिंग है, ऑथर आके बोलेगा सेट देम स्ट्रेट, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है. क्विक 5 सेकंड चेक. तीन हमारे पात्र हैं, समझ आया? डार्टन भैया नंबर वन, दूसरा ट्रिनिटेरियन करता है, यूनिटेरियन करता है. दूसरा कौन है? केट भैया. तीसरे कौन है जल्दी बताओ यार, लिखा हुआ है यहाँ पे. तीसरे कौन है? स्किनर भैया. समझ आ गया एवरीवन? यस प्रांजे, वेरी गुड. स्किनर भैया, गुड. ऑप्शन देखिए. अनलाइक डार्टन, केट्स टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ द बुक्स. अनलाइक डार्टन, डार्टन क्या करता था? ओनली पब्लिशिंग ट्रेड. तो केट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच करता था. कैसा? गिविंग इक्वल वेट टू ऑथर्स, पब्लिशर्स एंड रीडर्स. बहुत बढ़िया, ये तो सही लग रहा है. मेरा हाफ वाला पार्ट तो कवर हो गया, इतना तो मेरा पार्ट कवर हो रहा है ना भाई. कौन सा? केट्स टेक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ द बुक्स. हाँ अनिकेत, सुनते रहे बस, सब समझ आएगा. इक्वल वेट एंड द रीडर्स वाइल चैलेंजिंग द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ व्यू ऑफ बुक्स एज एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. मेरे तीनों पात्र कवर हो रहे हैं इसके अंदर, येस और नो. कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ व्यू भी आ गया, दूसरा डार्टन भी आ गया, केट्स भी आ गया, येस और नो. बहुत बढ़िया. बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्ड है जो कि ट्रिकी है, जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करता है. कौन सा वर्ड है वो? एनीवन कैन टेल मी व्हाट्स दैट वर्ड? देयर इज ओनली वन वर्ड इन दिस. मयूर, आशीष, वेरी गुड, चैलेंजिंग, ब्यूटिफुल क्वेश्चन. अनलाइक नहीं है, अरे अनलाइक ही तो है. अनलाइक क्यों? बाय कॉन्ट्रास्ट. बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब अनलाइक. डार्टन भी कवर हो गया, चैलेंज तो नहीं किया उसने कहीं पर देखा जाए तो. हाँ भाई, चैलेंज तो कहीं पर भी नहीं किया है. ओके गुड, ठीक है, चैलेंज तो कहीं पर भी नहीं किया है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन. Darton's approach to the history of the book emphasizes the role of publishers, while the Cates give equal weightage to the authors and the readers. Yeah, Darton ki approach thi, emphasize karta hai role of publisher. Can I say 30% correct? Can I say 30% correct? Yes or no? Can I say 30% correct? Kyunki Darton to karta hai yaar, wo publisher karta hai, pehli line ko copy kar diya usne. Mera yahan tak cover ho gaya ye wala part. Hai na? Pura to summary nahi hai. Isse better to A hai, par challenging wala mujhe question aa raha hai. Next one. Cates is unitarian. हाँ भाई, क्या ये गलत है? इज इट रॉन्ग? यस और नो? केट इज अ यूनिटेरियन? केट इज अ रॉन्ग, केट इज अ ट्रिनिटेरियन. वेरी गुड, दिमाग चल रहा है तुम्हारा. कचरा नहीं है ये, रॉन्ग है. कचरा हम बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट को, इट्स रॉन्ग. सुनते जाओ, केट इज अ ट्रिनिटेरियन, पढ़ते गलत पता चल गया. व्हाइल डार्टन फोकसिंग ऑन, अरे भाई नहीं, ऑथर, रीडर एक्सेट्रा सब पे ध्यान देता है. आगे, द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री लेड बाय स्किनर व्यूज बुक्स एज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा लग रहा है भाई. हाँ भैया, स्किनर हमारा एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे ध्यान देता था, बढ़िया है, मान सकते हैं, इतना ठीक है. बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर्स, बढ़िया. केट आर्ग्यूज दैट पब्लिशर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. बाय द वे,
केट तो बोलती थी, केट तो बोलता था पब्लिशर भी इम्पॉर्टेंट है, ऑथर भी इम्पॉर्टेंट है और रीडर भी इम्पॉर्टेंट है, एग्री? यस और नो? यस और नो? है ना भाई? यस। डार्टन मिसिंग है इसमें? डार्टन भैया तो मिसिंग है यार। ओहो। और यहाँ पे एक मिनट, जब केट ने बोला इम्पॉर्टेंट माई लॉर्ड, जब केट ने बोला पब्लिशर ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, तो ये पब्लिशर ऑथर रीडर तीनों कवर हो गए? यस और नो? ऑथर रीडर तीनों कवर हो गए। तो केट सिर्फ नहीं, बहुत बढ़िया, ये तो ऑल्सो बोला ना मैंने, ये दो के अलावा ये भी कर रहा है। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, बट डार्टन भैया मिसिंग है, मैं इसको फिर भी 30% करेक्ट बोल रहा हूँ। पर इसमें एक वर्ड है जो मुझे क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा वर्ड है वो? एक वर्ड है जो मुझे क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा वर्ड है बॉयज एंड गर्ल्स? दैट वर्ड इज आर्ग्यू। साकेत, आयुषी, अनन्या, वेरी गुड। आर्ग्यू, साला इसमें मेरे को चैलेंजिंग में रोक दिया, इसमें मेरे को आर्ग्यू में रोक दिया, बट दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों अच्छे। पर इसमें डार्टन है, इसमें डार्टन नहीं है, पर मैं दोनों पे रुक जाता हूँ अभी। आगे, इसमें चैलेंजिंग किया, इसमें आर्ग्यू किया है। ऑप्शन नंबर ई। ई में क्या है? नॉट केट, डार्टन टेक्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द हिस्ट्री। ये मैंने चालाकी से खुद ऑप्शन बनाई है। क्या गलती इसके अंदर? नॉट केट, डार्टन टेक्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। गलत है? इज इट रॉन्ग? अरे केट टेक्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इट इज रॉन्ग। वेरी गुड, उल्टा कर दिया मैंने। इट्स अ करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ माई रूल्स इन दिस क्वेश्चन। ब्यूटिफुल क्वेश्चन। अरे उल्टा कर दिया भाई, केट टेक्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द हिस्ट्री बुक बाई इक्वल वेट। डार्टन तो बोलता था मेरे को बस पब्लिशिंग ट्रेड वाले चाहिए। समझ आया? अब मजा आएगा। अब तो मैंने दसो तुसी, डी बेटर है कि ए बेटर है? अब मजा आएगा भैया, अब बताओ ए बेटर है? काफी लोग ए बोल रहे हैं यार, ए में तो चैलेंजिंग है, ए में तो चैलेंजिंग। कई लोग बोल रहे हैं बी। अरे बी में कुछ भी नहीं है भाई, बी खाली है, बी में अंदर कैम्ब्रिज स्कूल का व्यू तो आया नहीं, ए बेटर है। अच्छा बाय द वे, अगर ए में चैलेंजिंग है, इसमें आर्ग्यू है, तो हम मान लेते हैं कि केट आर्ग्यू और चैलेंजिंग कर रहा है। अंडरस्टूड? लर्निंग नंबर वन, समझा? हम मान लेते हैं बिकॉज ऑथर का ये थॉट प्रोसेस है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है और ऑप्शन नहीं मेरे को कोई। अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, बेटर समरी कौन सा है? बेटर समरी कौन सा है? ए इज बेटर, ए ऑल्सो इज बॉटम, बॉयज एंड गर्ल्स। करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसका ठीक हुआ +3 मार्क्स ले लो भाई। समझ आया? समझा? तो भाई कौन सा? अनलाइक डार्टन, ये भी सही है, डार्टन भी आ गया, कैम्ब्रिज भी आ गया। करेक्ट आंसर इज 70%।